हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, कैसी चल रही है तैयारी? लैब असिस्टेंट की डेट आ गई है, एग्जाम डेट आ गई है, पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन कैसा होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, फॉर्म फिल हो रहे हैं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग जैसे स्टार्ट हुई है वैसे ही बच्चों के डाउट और बढ़ गए हैं, कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रिफरेंस कैसे देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। जो भी डाउट यहां लिखे हैं, देखिए कितने सारे लिखे हैं, तो जितने भी डाउट हैं सभी के डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए क्या क्या है। सर, ट्वेल्थ में हमारे पास ज्योग्राफी होम साइंस है, क्या हम दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? ट्वेल्थ में ज्योग्राफी तो है लेकिन होम साइंस नहीं है, फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? राजस्थान का ज्योग्राफी आएगा या भारत का ज्योग्राफी यानी भूगोल जिसे कहेंगे? बेस्ट बुक कौन सी होगी? सर, बेस्ट बुक के बारे में भी हम बताएंगे आपको, कौन सी पढ़नी है आपको, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है इस एग्जाम में, ये भी हम आपको बताएंगे। अदर स्टेट के फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं? बीए में होम साइंस है लेकिन ट्वेल्थ में नहीं है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सैलरी कितनी होगी? सर, सैलरी के बारे में बताइए, होम साइंस और ज्योग्राफी का पेपर सेम होगा या सिलेबस सेम होगा या अलग अलग होगा, क्या होगा सर, ठीक है। तो क्वेश्चन कितने आएंगे, कहने का मतलब है एग्जाम पैटर्न के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। टीएसपी और नॉन टीएसपी क्या है, टीएसपी और नॉन टीएसपी क्या है, एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा, होम साइंस और ज्योग्राफी होम साइंस और ज्योग्राफी को भी पीसीएम पढ़ना पड़ेगा यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना पड़ेगा या सिलेबस अलग अलग आएगा, ये पूछा जा रहा है, बात क्लियर हो गई। काम क्या करना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस किस विभाग में फॉर्म भर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रीफ्रेंस, एक चीज लिखना बोल गया, प्रीफ्रेंस आपको कैसा देना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, इस वीडियो पे आए हो तो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके सभी कमेंट का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी और होम साइंस। अगर ट्वेल्थ में ज्योग्राफी और होम साइंस दोनों है तो आप दो फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म केवल एक ही फिल किया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर ऑप्शन होगा होम साइंस का और ज्योग्राफी का, जिससे भी आप फॉर्म फिल करना चाहें उसे सेलेक्ट कर दीजिए, बात क्लियर होगी। ट्वेल्थ में ज्योग्राफी तो है लेकिन होम साइंस नहीं है, जी ट्वेल्थ में होम साइंस हो या नहीं हो लेकिन ट्वेल्थ में आपके पास ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बात क्लियर हो गई। एक मैंडेटरी है, या तो होम साइंस होना चाहिए या ज्योग्राफी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ज्योग्राफी है, फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आगे बात, राजस्थान का ज्योग्राफी यानी राजस्थान का भूगोल आएगा या भारत का भूगोल आएगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान का जीके पूछा जाएगा लेकिन वो भी पार्ट वन में पूछा जाएगा, बात क्लियर होगी। पार्ट टू की बात करें तो उसका सिलेबस अभी आया नहीं है, इनका ज्योग्राफी वालों का इनका सिलेबस अभी आया नहीं है, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, जब सिलेबस आएगा तो अपडेट कर दिया जाएगा, वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, बात क्लियर होगी। बेस्ट बुक कौन सी होगी? तो राजस्थान के जीके के लिए अगर बेस्ट बुक की बात करूं तो इसके लिए मुझे इसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पीसीबी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या पीसीएम के स्टूडेंट हो या पीसीबी के स्टूडेंट हो, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 11th की और 12th की, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। तो ये आपको पढ़नी है, अगर ये पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप समझ लीजिए सिलेक्शन से दूर होते रहेंगे, बात क्लियर हो गई। गाइड पे ज्यादा भरोसा मत करना है एनसीईआरटी, क्योंकि आरएसएम एसएसबी का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उठाए गए थे वो आपके एनसीईआरटी से ही उठाए गए थे, ध्यान रखना। पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बात क्लियर हो गई, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा पेपर किस लेवल का है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल की मुझे पढ़ाई करनी है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? तो नेगेटिव मार्किंग है जी सर, क्यों नहीं है, बात क्लियर हो गई। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है,
आगे चलते हैं, अदर स्टेट के फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं? जी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, किसी भी स्टेट में रहते हो फॉर्म फिल कर दीजिए, बात क्लियर होगी। बस ध्यान ये रखिए, ध्यान ये रखना है आपको, या ये आपको रखेंगे किस कैटेगरी में, तो ये रखेंगे आपको अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी आपको किसी भी कैटेगरी का फायदा नहीं मिलने वाला है, बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो आप एससी कैटेगरी के हों या एसटी कैटेगरी के हों, बात क्लियर हो गई। तो बीए में होम साइंस है लेकिन ट्वेल्थ में नहीं है। देखिए जी, ये जो वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, और मैंडेटरी मांगा गया है, जो भी मांगा गया है वो आपका ट्वेल्थ में होना चाहिए, अगर ट्वेल्थ में नहीं है आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते ट्वेल्थ में, ठीक है। और आपके पास बीए में होम साइंस है, ट्वेल्थ में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, सैलरी कितनी होगी? तो सैलरी की बात करें तो सैलरी सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि सैलरी क्या होगी, सैलरी, तो सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो सैलरी जो होगी आपकी पहले दो साल आपकी 18,000 के आसपास होगी, क्या 18,000 के आसपास होगी, लेकिन दो साल के बाद ये आपकी 32,000 के आसपास हो जाएगी, बात क्लियर हो गई। तो सैलरी दो साल के बाद आपकी बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं, होम साइंस और ज्योग्राफी का पेपर और सिलेबस अलग अलग होगा क्या? जी हाँ, होम साइंस का सिलेबस भी अलग होगा, पेपर भी अलग होगा, ये बात ध्यान रखना है। ज्योग्राफी और होम साइंस के दोनों पेपर अलग अलग होंगे, सिलेबस भी अलग होगा। सिलेबस अभी आया नहीं है होम साइंस वालों का और ज्योग्राफी वालों का, जब तक सिलेबस नहीं आया है जब तक आपको क्या करना है, जब तक आपको करना है पढ़ना है राजस्थान का जीके, पढ़िए राजस्थान का जीके, तो आपसे पूछा ही जाएगा, PCM वालों से भी पूछा जा रहा है, कोई स्पेशल नहीं है, बात क्लियर हो गई कि आप सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं कि सिलेबस आएगा तब हम पढ़ेंगे। PCM वालों का सिलेबस है, PCB का भी है, ज्योग्राफी वालों का भी है, तो क्योंकि साइंस पूछी जा रही है, ये होम साइंस और ज्योग्राफी तो इस साल ही ऐड की गई है, पिछली दो यानी 2016 में वैकेंसी निकली थी, 2018 में वैकेंसी निकली थी, उस टाइम सिर्फ साइंस ही मांगा गया था, होम साइंस और ज्योग्राफी नहीं था, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये होम साइंस और ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए, बात क्लियर। तो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके समय सभी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कितने आएंगे, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो 2018 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, 2018 में ये वैकेंसी आई थी, इसके 2018 में ये वैकेंसी आई थी, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो है 50 यानी 100 नंबर का आपका राजस्थान जीके पूछा जाएगा, 100 नंबर का राजस्थान जीके पूछा जाएगा पार्ट ए में, और जो पार्ट बी होगा उसमें आपका 200 नंबर का यानी 200 नंबर का आपसे पीसीबी पूछा जाएगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बात क्लियर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन ये उनके लिए है जो पीसीएम स्टूडेंट है, पीसीबी वाले स्टूडेंट है, और कौन से एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है, होम साइंस और ज्योग्राफी वाले इस पर ध्यान ना दें तो अच्छा है उनके लिए। तो आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन की बात होगी, टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया क्या है? तो टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया का मतलब ये है दोस्तों कि जो टीएसपी एरिया होता है ये राजस्थान में, राजस्थान के लिए, राजस्थान के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होता है। आप नॉन टीएसपी में फॉर्म फिल कर सकते हो, और राजस्थान वालों की अगर बात करें तो दोनों में किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन नॉन टीएसपी का जो होगा वो अदर स्टेट वाले ही इसमें फॉर्म फिल करेंगे, बात क्लियर हो गई। तो हमें अगर अदर स्टेट से हो तो नॉन टीएसपी एरिया में फॉर्म फिल आपको करना होगा, बात क्लियर हो गई। एग्जाम सेंटर कहाँ पर होगा? तीसर राजस्थान, यानी राजस्थान में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, तो आपका राजस्थान में ही एग्जाम सेंटर होने वाला है और कहीं नहीं होगा, राजस्थान के अंदर कहीं भी आपको भेज दिया जाएगा, क्लियर। तो होम साइंस और ज्योग्राफी को भी पीसीएम पढ़ना पड़ेगा क्या? जी नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? होम साइंस अलग कैटेगरी है, ज्योग्राफी अलग है, तो कैसे पीसीएम आप पढ़ोगे? नहीं जी, आपका सिलेबस रिलीज किया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि होम साइंस का सिलेबस क्या होगा, ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होगा, बस अभी आप इतना ध्यान दीजिए, आपको पीसीबी नहीं पढ़ना है, अभी पढ़ना ही नहीं है, छोड़ के रखिए, सिर्फ इतना पढ़िए कि होम साइंस आपने 11th और 12th में पढ़ी है, वहाँ से आप इन दोनों चीज को कवर करिए, मेन टॉपिक अभी कवर कर सकते हैं, एग्जाम डेट आ गई है, एग्जाम डेट आ गई है, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, ध्यान रखना,
बात क्लियर हो गई। और एनसीईआरटी राजस्थान जीके पूछा जाएगा, एनसीईआरटी राजस्थान जीके पूछा जाएगा, सबसे पहले तो वो आपको पढ़ना है। अभी सिर्फ राजस्थान जीके उठा के पढ़ने लग जाइए, ठीक है। और अपना होम साइंस में अगर राजस्थान पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं तो आप थोड़ा बहुत उठा लीजिएगा होम साइंस और ज्योग्राफी, लेकिन पढ़ना तो है, सिलेक्शन तभी होगा। सिलेबस का इंतजार ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा होम साइंस और ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, होम साइंस है, इन्हें तो पढ़िए जब तक सिलेबस नहीं आता तो आगे चलते, ठीक है। तो काम क्या करना होगा, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है तो काम क्या करना होगा जी, देखिए काम क्या करना होगा आपको। तो काम की अगर मैं बात करता हूँ तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, 12th बेस पे निकली है। तो विभाग आपको दिए गए हैं, वहाँ स्कूल भी है, कॉलेज भी है और फॉरेंसिक लैब भी है, बात क्लियर है। इन तीन जगह पर आपको लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ेगा। स्कूल की बात करें तो तुम्हें भी पता है, हम भी जानते हैं, स्कूल में गए हुए हैं, कॉलेज में भी गए हुए होंगे बहुत से स्टूडेंट, तो वहां पर लैब होती है, तो लैब को संभाल कर रखना होता है। जब प्रैक्टिकल होता है तो तब उनका काम होता है लैब असिस्टेंट वालों का कि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी देख रेख करना, एक काम तो ये होता है। दूसरा काम क्या करना होता है, स्कूल कॉलेज की बात चल रही है तो दूसरा काम ये करना होता है, बाय चांस अगर स्कूल या कॉलेज में टीचर नहीं आता है, अब्सेंट रहता है उस दिन, तो उस दिन लैब असिस्टेंट को भेज दिया जाता है, जाओ आज आपको पढ़ा के आना है। और आपको पढ़ा के आना है क्योंकि आपने पीसीएम और पीसीबी दोनों की जानकारी है, यानी साइंस के स्टूडेंट है तो आपको भेज दिया जाता है, जाइए आज आप पढ़ा के आइए। तो एक काम ये होता है। ज्यादातर इनका काम कहाँ पर बढ़ जाता है, ज्यादातर काम बढ़ जाता है जब एग्जाम होते हैं, एग्जाम के दिनों में इनका काम बढ़ जाता है। वैसे तो सात दिन होते हैं, एक दिन संडे हो जाता है, शनिवार की भी छुट्टी होती है कभी कभी, तो ठीक है, तो एक दिन संडे हो जाता है और 4-5 दिन की क्लास लगती है। उस 4-5 दिन में भी एक दिन प्रैक्टिकल होते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक दिन की जॉब होती है, 1-2 दिन की जॉब होती है, काम करना होता है, नहीं तो कॉलेज में ऐसे घूमते रहते हैं लैब असिस्टेंट। बात क्लियर हो गई, तो आगे चलते हैं। हाँ, आगे क्या है, काम क्या क्या करना होगा, तो काम मैंने आपको बता दिया। किस किस विभाग में फॉर्म भर सकते हैं जी, देखिए फॉर्म आप एक ही भरेंगे, अलग अलग नहीं भर सकते, फॉर्म आपको एक ही भरना पड़ेगा, लेकिन जो विभाग हैं उनमें आपको प्रीफ्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। प्रीफ्रेंस आपको कैसे देना पड़ेगा, अगर मैं ये भी बताने लग जाऊं तो वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लेंथी, तो इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जाके क्लिक कीजिए लिंक पर, वीडियो खुल के सामने आ जाएगी। जैसे ही खुल के सामने आ जाएगी आप देखने लग जाइए, सब आपको मैंने बताया, डिटेल में बताया प्रीफ्रेंस, ठीक है। और वो कि ये भी पूछा है कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये भी हम आपको बताते हैं, देखा 2 मिनट रुकिए। होता क्या है, जो पीसीएम और पीसीबी वाले स्टूडेंट जो हैं वो पोस्ट कोड 1 से लेके 5 तक किसी भी विभाग में अप्लाई कर सकते हैं, और जो एग्रीकल्चर वाले हैं, कौन से एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, वो 2 से लेके 5 तक किसी भी डिपार्टमेंट में विभाग में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और होम साइंस वाले तो होम साइंस में करेंगे, कोई उनके लिए ऑप्शन नहीं है प्रीफर करने का, और ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी में ही वो अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सभी डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का सभी का रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।